हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कोरोना वायरस के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग टोटल केसेस के बारे में बात करेंगे। डिटेल में हम लोग देखेंगे कंट्री वाइज, ठीक है। इंडिया के बारे में हम लोग डिटेल में और बात करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पाओगे कि आप अगर गूगल पर सर्च करोगे कोरोना लाइव स्टेटस, तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में एक वेबसाइट दिखेगी, worldmeters.info, ठीक है। तो worldmeters.info पर जब आप आ जाओगे, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जो है चेक कर सकते हो कोरोना वायरस के टोटल केसेस। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे व्यू बाय कंट्री पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, 1,23,776, ठीक है। टोटल यहाँ पर 1,25,00,000 यहाँ पर USA में केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर न्यू केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आज की अगर मैं बात करूँ तो 1,200 केसेस यहाँ पर न्यू यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। टोटल डेथ्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 30,000 से भी ज़्यादा, 30,890 यहाँ पर टोटल यहाँ पर डेथ्स हो चुकी है। आज की अगर मैं बात करूँ तो +8 डेट यहाँ पर और हो चुकी है, ठीक है। तो टोटल रिकवर्ड का यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा, टोटल एक्टिव केसेस कितने हैं, सीरियस या फिर क्रिटिकल केसेस कितने हैं, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे इंडिया की, तो नीचे आ जाएंगे हम लोग। तो इंडिया जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे 987 तकरीबन यहाँ पर 1000 केसेस इंडिया में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर टोटल डेथ की अगर मैं बात करूँ तो 25 डेथ यानी 25 पीपल जो है अभी तक कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं। न्यू डेथ की अगर मैं बात करूँ तो 1 यहाँ पर अभी न्यू डेथ हुई है। टोटल रिकवर्ड यहाँ पर 87 जो है पेशेंट यहाँ पर रिकवर्ड हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप इंडिया पर क्लिक करोगे तो इंडिया पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टोटल केसेस है 987, डेथ्स यहाँ पर हो चुके हैं 25 और रिकवर्ड यहाँ पर हो चुके हैं 87। तो यहाँ पर हम लोग और कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो केस हमें देखने को मिल रहा था फेब्रुवरी 15 को, यानी 15 फेब को यहाँ पर पहला केस हमें देखने को मिल रहा था, और यहाँ पर ये यह बढ़ते 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 जो है आप ये ग्राफ आप देख पाओगे, तो यहाँ पर ये 3 से मल्टीपल हो के यहाँ पर मार्च 2 को, ठीक है, 2 मार्च को यहाँ पर 6 हो गया था, और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते जो है ये मल्टीपल होता है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कहा गया है, जो भी इंस्ट्रक्शन हमें मिली है कि आपको अपने घर में लॉकडाउन होना है टिल 14th ऑफ अप्रैल तक, तो आपको जो इसे फॉलो करना है, ठीक है, स्ट्रिक्टली आपको इसको फॉलो करना है। जब तक कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर काम नहीं होता है बाहर जाने का, तभी आपको बाहर जाना है, ठीक है। कोई भी अननेसेसरी काम के लिए आपको बाहर नहीं जाना है। बाहर कितने लोग हैं, कैसा एटमॉस्फेयर है, रोड खाली है या नहीं है, ये सब देखने के लिए आपको जो है नहीं जाना है, ठीक है। एक बहुत ही सीरियस एंड बहुत ही क्रिटिकल ये कंडीशन है, इंडिया इसे फेस कर रहा है। आपको जो है गवर्नमेंट का साथ देना है और यहाँ पर आपको हेल्प करना है। आपको अपनी भी हेल्प करना है, अपनी फैमिली की भी हेल्प करना है, आपको बस घर पे रहना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल 195 कंट्रीज में ये जो है फैल चुका है। जैसे कि आप देख पाओगे काफ़ी कम कंट्रीज है जहाँ पर ये अफेक्ट हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द कंट्री में ये अफेक्ट किया हुआ है। इस वायरस का अभी फिलहाल भी कोई नाम ऐसा पर्टिकुलर नहीं रखा गया है। इस बीमारी का नाम COVID-19 रखा गया है, बट कोरोना जो है एक कोरोना एक पूरी फैमिली है वायरसेस की, ठीक है। अभी तक कोरोना वायरस को यहाँ पर कोई भी नाम यहाँ पर जो है दिया नहीं गया है। आई थिंक जब तक इसकी वैक्सीन जो है अवेलेबल नहीं हो जाती है, तब तक जो है इसका जो है पर्टिकुलर कोई नाम जो है वो अभी तक नहीं दिया गया है। COVID-19 जो है ये एक बीमारी का नाम यहाँ पर दिया गया है, बट वायरस का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, और कोरोना जो है एक वायरस की पूरी फैमिली है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आप डिटेल में चेक कर सकते हो। कुछ डिटेल्स भी आप यहाँ पर नीचे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। और लेटेस्ट अपडेट में मार्च 29 को यहाँ पर जो जो अपडेट्स है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आज की है मार्च 29। नीचे आ जाएंगे आप लोग और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जनवरी का टाइमलाइन, ठीक है। ऑन January 31st द फर्स्ट 2 नोवेल कोरोना वायरस केसेस इन द UK, यानी कहाँ पर कितने फर्स्ट केसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और कब इसको डेंजर घोषित किया गया है WHO के द्वारा, पैंडेमिक इसे कब घोषित किया गया, इसके बारे में आपको सारी डिटेल यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आपके कमेंट्स होंगे तो इसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हिंदी अनुवाद करके इसके बारे में पूरी डिटेल यानी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो काफ़ी सीरियस से मैटर है, आपको अपने घर में ही रहना है। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स होंगी वो होगी, बट यहाँ पर 3 से 4 महीना आपकी जो एग्जामिनेशन यहाँ पर जो है लेट हो सकती है किन्हीं कारणों की वजह से, और आपको जो है घर पर रह के प्रिपरेशन करना है, ठीक है। आपके जो भी प्रिपरेशन चल रही होगी जिस भी एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए आपको प्रिपरेशन आपके जारी रखना है, ठीक है। सब कुछ नॉर्मल होगा, बट ये नॉर्मल तभी होगा जब हम इस चेन को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। आपको इस चेन को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको बस आपके घर में रुकना है, घर पर ठहरना है। यहाँ पर जो इंडिया
इंडिया में जो लॉकडाउन किया गया है, लॉकडाउन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि आपको जो है आपके घरों में रहना है, आपको खुद को यहाँ पर लॉक करना है, आइसोलेट करना है, बाकी लोगों से दूरी बना के रखना है, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट का क्या काम होता है, गवर्नमेंट का ये काम होता है लॉकडाउन में कि गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिशियल्स या फिर उनके जो डॉक्टर्स होते हैं, जो डॉक्टर की टीम होती है, वो जो है घर घर पर जाकर जो है चेक करती है कोरोना वायरस के पेशेंट को। बट इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तकरीबन 135 करोड़ यहाँ पर आबादी है इंडिया की, तो इंडिया की गवर्नमेंट के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो घर घर जाकर यहाँ पर चेक कर सके कोरोना पेशेंट को, ठीक है। तो आपका यहाँ पर काम ये होगा कि अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं कोरोना वायरस के, जो भी सिम्टम्स यहाँ पर आपको पता होगा, सभी को पता है कोरोना वायरस के क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको जो है खांसी आएगी, बुखार आएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है, आपके जो सेंसेस है, आप जो है सूंघने की शक्ति और आपके जो टेस्ट की जो शक्ति है वो थोड़ी सी यहाँ पर डाउन हो जाएगी, ठीक है, आप थोड़े वीक महसूस करोगे, फीवर आएगा आपको। अगर आपके इनमें से कोई भी अगर सिम्टम्स अगर देखने को मिलता है तो आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू किया गया है जो टेलीफोन नंबर है वहां पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, लोकल आपका कोई डॉक्टर होगा या फिर आपके शहर में कोरोना वायरस से रिलेटेड यहाँ पर जो टेस्ट चल रही होगी गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी हॉस्पिटल्स होंगे तो वहां पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, ठीक है। तो वहां पर आपको कॉन्टैक्ट करने के बाद आपकी जो है टेस्ट की जाएगी और आप निगेटिव या पॉजिटिव जो भी है यहाँ पर आपको 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा, ठीक है। बट आपको जो प्रिकॉशन लेना है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें यहाँ पर कहा गया है उसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री यहाँ पर लॉकडाउन किया गया, इतने बड़े लेवल पर इतना बड़ा लॉकडाउन यहाँ पर किया गया है, और नॉट ओनली इंडिया बट यहाँ पर सारी कंट्रीज, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज होगी सारी कंट्रीज यहाँ पर लॉकडाउन है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यूएसए की, इटली की, चाइना, यहाँ पर हमें काफी कम अभी अफेक्टेड देखने को मिल रहा है, काफी कम यहाँ पर डेथ हो रही है, और रिकवर्ड पेशेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 75,000 से भी ज्यादा यहाँ पर जो है पेशेंट जो है यहाँ पर रिकवर्ड हो चुके हैं। अब इसमें क्या कॉन्स्पिरेसी है चाइना की, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो है चाइना का ही किया कराया हो सकता है, ठीक है, ऐसी न्यूज आ रही है। बट यहाँ पर अभी हम लोग जो है अगर आपके कमेंट्स होंगे तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि जिसमें चाइना जो है जिसे सुपर पावर बनना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये था गाइस एक वीडियो, तो इस वेबसाइट पर आप जाके जो है चेक कर सकते हो worldmeters.info पर, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आप जो है चेक कर सकते हो इंडिया का स्टेटस और पूरे वर्ल्ड का स्टेटस। इसके पहले मैंने आपको जो वेबसाइट बताया था उसमें भी आप चेक कर सकते थे, बट यहाँ पर आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। जैसे कि इंडिया में यहाँ पर 987 यहाँ पर टोटल कोरोना वायरस के केसेस है, हम इसे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद भी यहाँ पर आप देख पाओगे कि रियल टाइम यहाँ पर जो है अपडेट होता है, ठीक है, जो भी केसेस होती है यहाँ पर जिस भी हॉस्पिटल में, तो उन्हें यहाँ पर एनरोल करना होता है, उनको यहाँ पर डेटा जो है सबमिट करना होता है भारत सरकार को, ठीक है, और भारत सरकार जो है ये डेटा भेजती है WHO को, जो रियल टाइम में सारी वर्ल्ड यहाँ पर मॉनिटर कर रही है, क्योंकि ये एक पैंडेमिक है, एक महामारी है जिसे घोषित किया है WHO ने। काफी सीरियस मैटर होगा, कोरोना वायरस को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, कुछ दिन आपको प्रिकॉशन लेना है, सब कुछ नॉर्मल होगा आने वाले कुछ ही समय में। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।